वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले पूरी तरह से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जहां घोषणा पत्रों के जरिए राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी वादे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनावी गणित और समीकरणों को भी साधते नजर आ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने मेघालय के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम मेघालय में 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे और सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर वितरित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र में जारी करते हुए कहा कि कई बड़े वादों को सामने रखा और कहा कि हमने फैसला किया है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में सालाना 2,000 रुपये की बढ़ोतरी भी करेंगे। फ्री एजुकेशन टू फीमेल टू गर्ल चाइल्ड फ्रॉम किंडरगार्टन केजी टू पीजी उस बारे में। वी विल आल्सो लॉन्च ए स्कीम कॉल्ड एज जुगी सिर्ची ए सपोर्ट स्कीम एंड इन दिस सपोर्ट स्कीम अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 24,000 एनुअली टू ऑल डिपेंडेंट विडोज एंड सिंगल मदर्स इन द कंट्री।